कोरोना महामारी की वजह से कई महीनों से बंद सिनेमा घर 15 अक्टूबर को खुलने जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस दौरान बॉलीवुड की कई फिल्मों को दोबारा रिलीज किया जाएगा। इन फिल्मों की लिस्ट में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म भी शामिल है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट करण आदर्श ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। करण आदर्श ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने उन फिल्मों के बारे में जानकारी दी है जो थिएटर के खुलने के बाद इस हफ्ते रिलीज की जाएंगी, जिसमें अजय देवगन की तानाजी द अनसंग वॉरियर, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मलंग, सुशांत सिंह राजपूत की केदारनाथ और थप्पड़ जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इससे पहले भी तरण आदर्श ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने बताया था कि विवेक ओबरॉय की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी थिएटरों में सबसे पहले रिलीज होगी। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले साल 24 मई 2019 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं अब एक बार फिर से ये फिल्म पर्दे पर दिखाई देगी। विवेक ओबरॉय की ये फिल्म देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। ओमांग कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विवेक ओबरॉय ने नरेंद्र मोदी की भूमिका निभाई है। बताते लॉकडाउन के बाद पहली बार 15 अक्टूबर को सिनेमा घर खुल रहे हैं, जिसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। हालांकि अभी कुछ राज्य में सिनेमा घर खोलने की इजाजत नहीं मिली है, जिसमें राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक ये रोक बरकरार रखी है, यानी राजस्थान और महाराष्ट्र में 31 अक्टूबर तक सिनेमा घर नहीं खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।